के हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। HDFC बैंक क्या आगे आने वाले समय में आग लगा देगा, देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलते हैं। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली सबको पता है कि HDFC बैंक के अच्छे, इसलिए मैंने मेन टारगेट किया टेक्निकल एनालिसिस। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर, तो आप देखिए कि मतलब ये अभी हाल फिलहाल एक अप ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा अपर गया बाद में थोड़ा नीचे आके अप गया बाद में नीचे आया। तो मैंने क्या किया, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है और एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, तो जिससे हमें क्या है कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन पता चले, मतलब ऐसा एक आइडिया आ सके कि इस लाइन पे ये क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में देखिए, अभी जो ये क्या है मतलब अपसाइड दिया है इसने, तो आप देखोगे तो जो ये अपनी सपोर्ट लाइन है इसके आसपास दे देखिए, ये पहले तो ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है, थोड़ा नीचे गया था लेकिन वापस अप आ गया, तो इतना थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट रहता है, थोड़ा नीचे जाके बाद में अपसाइड आ जाता है। तो देखिए और मोस्टली देखिए कि ये जो इसके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन थी इसी पे ये नीचे तक गया है, उससे नीचे नहीं गया। तो मतलब देखो ये आगे पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, अभी ये क्या है कि दो बार इधर सपोर्ट ले चुका, तो तीसरी बार भी इधर सपोर्ट लिया, मतलब मोस्ट ऑफ द जो सपोर्ट था वो एक जगह पे मतलब आ गए थे, तो मोस्टली था कि ये यहाँ से अप जाएगा। मैंने वैसे यहाँ से बाय किया था, जो ये था ना ये कैंडल जब ऊपर जा रही थी इस दिन, जब मतलब न्यूज़ वगैरह आई तो इस दिन मैंने इसको बाय किया थे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में। तो अभी क्या है कि अभी ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन अभी एक्सपेंसिव पे भी आप बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव में बाय नहीं कर सकते, लेकिन कोई लेवल उसे मिले उसको ब्रेकआउट दे बाद में बाय कर सकते हो। तो आप देखिए अभी अप जा रहा है, तो देखिए पहले तो ये बात है कि अभी ये अप कितना आ जाएगा। तो मेरे क्या है कि अब अगर ये अप गया मतलब इन फ्यूचर अप गया, जो ये अप जाने की कोशिश करेगा तो कब से करेगा, मेरा पर्सनली ऐसा व्यू है कि अगर ये अप गया तो ये कब अप जाएगा, जब ये 1282 का लेवल जब ब्रेक करके अप निकल जाएगा विथ फोर्सली, ऐसा नहीं हो रहा कि सीधा ब्रेक करके निकल जाए, तो विथ फोर्सली होता है जो ये हुआ, ये कैंडल मतलब जब आई ऊपर तो विथ फोर्स था, वॉल्यूम था इसमें, तो ये जब ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो मेरे ऊपर को लेवल कौन से दिखेंगे। तो देखिए ये है इसकी राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन, तो मोस्टली ये क्या है कि इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इन फ्यूचर ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे अप करके इधर जाएगा। और जो ये दो लाइन निकाली है उसमें से एक लाइन जो अपर की लाइन है वो एक फिबोनाची रेशियो की लाइन है, मतलब एक फिबोनाची रेशियो है उस पर मतलब मैंने मार्क किया, और दूसरी लाइन है वो ये क्या है कि मैंने थोड़ा बफर लगाया, मतलब थोड़ा नीचे रखते, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि फिबोनाची एग्जैक्ट वर्क करता है, या कोई भी राइजिंग या राइजिंग सपोर्ट लाइन और फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन तो कभी ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट वहाँ टच करके आता है, शायद थोड़ा ऊपर निकल जाए शायद थोड़ा नीचे रह जाए, इसीलिए मैंने बफर लगा है 25 रुपये का, मतलब फिबोनाची रेशियो 1375 पे, तो मैंने क्या है कि 1350 तक बफर लगाया, मतलब ये जोन के बीच में आई थिंक अगर ये 1280 का लेवल ब्रेक करके ऊपर गया तो यहाँ तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस लाइन है, बाद में 1275 का है, क्या है कि इसको फिबोनाची रेशियो आ रहा है इसीलिए। तो अगर ये 1280 का लेवल विथ फोर्सली ब्रेक करता है तो मैं इसको अपर की साइड देखूंगा, अगर ऐसा नहीं होता अगर ये इधर से नीचे आ जाता है तो मोस्टली क्या है कि जो मेरा पहला जो है नीचे आने का, तो ये शायद नीचे आएगा तो ये इधर तक फिर से जो अपना लेवल था 1080 वहाँ तक आ सकता है, अगर नहीं आया तो क्या है कि ये जो है इधर बीच में कि ये कौन सा है 1168 मतलब 1170 गिन लो, तो 1170 तक भी नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अभी अप जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 hour के चार्ट पे ये क्या है कि फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है, इसीलिए अगर फ्लैग टाइप पैटर्न अपसाइड ब्रेकआउट हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये 1375 और 1350 के बीच में अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म में लेना हो तो देखो लॉन्ग टर्म में अभी क्या है कि हाल फिलहाल अभी नहीं ले सकते, भले थोड़ा महंगा मिले, अभी हाल फिलहाल प्राइस क्या चल रही है 1244, तो भले थोड़ा 40 रुपये महंगा मिले, अगर 40 रुपये महंगा होने के मतलब लेवल ब्रेक होने के बाद अगर अप जाता है तो लेते हैं हम, अगर नीचे मान लेते इधर से नीचे आ गए तो हम नीचे का वेट करेंगे,
नीचे के कौन से सपोर्ट लाइन पे क्या है कि अपना सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, वो वेट करेंगे। तो नीचे की अगर सपोर्ट लाइन चाहिए तो आपको नीचे की ये राइजिंग सपोर्ट लाइन है पहले, जो मैंने बोला कि राइजिंग सपोर्ट लाइन के पास अगर ये मिल जाए आपको, आई होप सो कि ये आपको क्या है कि इन फ्यूचर 1240 और 1250 के बीच में मिल जाए, तो आप इसको क्या है कि अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। या तो वेट करो जो ये 1280 बोल रहा हूँ, जो मैं वो 1280 का विथ फोर्सफुली ये क्या है कि ब्रेकआउट दे तब ले सकते हो, तो क्या है कि एक आपको क्या है कि अपर जाने के चांसेस मिल सकते हैं, समझ गए। इसीलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल क्या है कि इसमें इसके बीच में ये कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि 1 आवर्स के चार्ट पे क्या है कि एक ये फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है, तो फ्लैग टाइप जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है तभी हम एंट्री लेते हैं, ना कि फ्लैग के बीच में एंट्री लेते हैं। इसीलिए मैंने ये बोला है कि ये जब ये 1280 का लेवल पार कर जाए तब आप ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेते आएंगे, तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपको भी किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है और उसका टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस दोनों में से कोई भी करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को ये स्टॉक में ये क्वेरी है और ये एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे इस पर एक डीपली एनालिसिस करेंगे और उस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे, सो आपको एक बेसिक आइडिया आ सके कि आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया वो कैसा है। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अपने चैनल को कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।